जैसे कि आज हम निकल पड़े हैं जनता की उनसे जनता से उनकी राय ये जानने के लिए, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो फैसला लिया गया है, जो निर्णय लिया गया है 4 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने का, तो बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र वो फैसला सही है या गलत है, क्योंकि कोविड अभी तक पूरे तरीके से गया नहीं है। भले ही पॉजिटिविटी की संख्या कम हो चुकी है, लेकिन कोविड अभी तक पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी भविष्य, जो बच्चों का भविष्य है, वो कहीं ना कहीं रुका पड़ा सा था, तो इस फैसले से जनता और बच्चे कहाँ तक खुश है, तो इसी लिए हम लोग निकल पड़े हैं जनता की उनसे राय जानने के लिए। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो प्रशासन ने फैसला लिया है 4 अक्टूबर को स्कूल शुरू हो रही है, तो आपको क्या लगता है ये बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से क्या ये फैसला सही था या गलत है? देखिए मैम, वैसे तो वो सही है, फैसला जो लिया है वो सही है, लेकिन उसे कैसे, जो अभी ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है, तो वो कैसे कान में हेडफोन डालते हैं, उसके वजह से बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम होगा। अभी वो फेस टू फेस अगर स्कूल में पढ़ेंगे तो उसे और एजुकेशन ज़्यादा हो जाएंगी उसमें। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड अभी भी है, कोविड पूरे तरीके से गया नहीं है, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए स्कूल प्रशासन ने? मेरे को तो लगता है कि स्कूल चालू करना चाहिए, मगर उतनी सुरक्षा भी करनी चाहिए स्कूल वालों ने, और माता पिता को भी सुरक्षा करना चाहिए उनकी। आप बताइए, आपके भी बच्चे अभी 4 अक्टूबर से स्कूल जाएंगे, तो आपको उनकी सुरक्षा के लिए आपकी कोई मांग है टीचर से, स्कूल प्रशासन से, कि उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम लागू करने चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को लसीकरण नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इनकी इम्यूनिटी जो पावर है वो अपने को पता नहीं है कि वो अलग अलग इम्यूनिटी है सब बच्चे, तो हमारा यही कहना है कि लसीकरण उनको नहीं चाहिए। बाकी जो आप करेंगे, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वो ठीक है, पर स्कूल शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्कूल शुरू करना, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है इम्प्रूवमेंट, वो ख़त्म हो गया है सब, उनका भविष्य खराब हो रहा है। वैक्सीन का जो मुद्दा है उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि जो पाबंदी लगाई गई है कि कहीं जगह जाते हो तो वैक्सीन ली कि नहीं ली पूछा जाता है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि इसके लिए कोई नियम लागू नहीं किया गया, तो ज़रूरी नहीं है। वो इंसान अगर लेना चाहता है वही, अन्यथा उसके ऊपर जोर जबरी ना करी जाए, मेरा कहना इतना ही। मैम, आपको क्या लगता है ये जो प्रशासन ने अभी भी फैसला लिया है 4 अक्टूबर को स्कूल चालू करने का, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि कोविड तो अभी भी मौजूद है, तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये जो निर्णय लिया गया है क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य भी इस फैसले पर जुड़ा हुआ है? हाँ मैम, अभी भी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, पूरा कोविड फैल रहा है, अभी बच्चे को इतना समझ में नहीं आता, मास्क वो क्लियर लगाते भी नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ये होता प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए स्कूल को थोड़ा भी टाइम होना चाहिए मेरे हिसाब से। दिगंबर बड़वा के मैं मुक्काम पारशुनी गांव का रहवासी हूँ। मेरे हिसाब से बच्चों को स्कूल में भेजने के सबसे पहले जो वायरल जो है, वायरल जो इंस्पेक्शन हो रहा है, वो तीसरी जो लहर आ रही है उसके बारे में गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस विषय में पूरी तरह से निजात पाने के बाद ही कुछ एक्शन लिया जाए, और अगर बच्चों को अगर भेजते हैं तो बच्चों के भेजने के बारे में अगर सोचना है पेरेंट्स को, तो उसके बजे सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये शाश्वती देना चाहिए कि अगर किसी के कोई बच्चे की जान जाती है या उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा, इस विषय में बात जरूर होना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा यह है, स्कूल वालों का कहना है कि आप अपने बच्चों को भेजो, लेकिन अपने रिस्क पे। कल आपके बच्चों की अगर जान जाती है या उनको कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है या उस विषय में कोई गंभीरता से बच्चा अगर बीमार गिरता है, उसके बारे में सिर्फ पेरेंट को ही सोचना है, स्कूल वाले इसके बारे में कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं। तो इस विषय पे आप लोग किस तरीके से सब तरफ यही बात हो रही है, और सभी पेरेंट्स लोगों का यही कहना है कि बच्चों को स्कूल में भेजने से पहले पूरी तरह से गवर्नमेंट ने जो कोरोना का जो वायरल है उसको पूरी तरह से नष्ट किया जाए, और ताकि नहीं तो फिर बच्चों के लिए कोई ऐसी वैक्सीन निकाली जाए ताकि बच्चों को दे के उनको स्कूल भेजा सके और उनकी पढ़ाई पूरी तरह से चालू हो सके। ये निर्णय सच भी है, लेकिन जो स्कूल चालू होने वाली है, जो बच्चे स्कूल में जाएंगे, तो इन्हें प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब, सैनिटाइजर बच्चों का अलग वही है, लेकिन स्कूल में जाएंगे तो बच्चे अच्छे, यानी घर में रह के बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं,
मम्मी डांटिए तो भी ध्यान नहीं देते बस वही बोलना है। तो आपकी सरकार से बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या मांगे, क्योंकि स्कूलें शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं ऐसा बंद हो चुका था, उनके दरवाजे बंद हो चुके थे, तो आपको कि बच्चे स्कूल आएंगे तो सरकार ने उनकी अच्छे से देखभाल करना चाहिए, बस सोशल दूर दूर बिठा के हाथ बार बार धोने, बस वही। आपको क्या लगता है 4 अक्टूबर से जो स्कूल चालू होने वाला है बच्चों का, आपको क्या लगता है बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये निर्णय जो लिया गया है वो सही है या गलत है? सही तो है, लेकिन बच्चे की सेफ्टी तो चाहिए ना और तो मुझे समझता भी नहीं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझता भी नहीं। आपको आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो आपकी आपको कहीं ना कहीं ये डर सा लगा रहेगा ना, क्योंकि घर में बच्चे सुरक्षित होते हैं, स्कूल का वातावरण कैसा है कैसा नहीं है आपको नहीं पता, तो आपकी क्या मांग है सरकार से, क्योंकि सरकार ने फैसला ले लिया है स्कूल शुरू करने का, तो आपकी क्या मांग है? क्या मांग है, मतलब बच्चे की सुरक्षा होनी चाहिए, मास्क वगैरह नहीं क्या? आपको क्या लगता है जो 4 अक्टूबर से जो स्कूल शुरू होने का निर्णय लिया गया है वो कहाँ तक सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड अभी तक पूरे तरीके से गया नहीं है, पॉजिटिव की संख्या कम हो गई है पर पॉजिटिव है कहीं ना कहीं लोग, तो आपको क्या लगता है ये निर्णय सही है बच्चों की सुरक्षा को लेकर या गलत? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि राज्य सरकार का जो निर्णय है उन्होंने गलत लिया है। अब कितने दिन तक के आप बच्चों को घर पर ही रखोगे या ऑनलाइन के क्लासेस कराओगे, थोड़ी तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोविड जब तक सबको इंडिया के अंदर में टीकाकरण कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के घर में रखेंगे तो उसके अंदर 2 साल लग जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सिर्फ इतना है कि हम पेरेंट्स बच्चों की केयर कर सकते हैं कि उनको मतलब जैसे स्कूल में 100% ना करते 50% यानी एक दिन बाद ऐसे बच्चों को बुला के वो स्कूल को शुरू कर सकते हैं जब तक के मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक के। तरीके से जितने घर में सुरक्षित है वो बाहर के माहौल में आज भी सुरक्षित नहीं लगते, तो आपकी क्या मांग है इस दौरान? नहीं नहीं, जो सरकार का निर्णय वो सही है, बस प्रिकॉशन अपने को भी लेनी है, जितना वो प्रिकॉशन अपने को बोल रहे उतने प्रिकॉशन के साथ बच्चों को स्कूल भेजो, तो घर में सही से पढ़ाई नहीं हो रही बच्चों की, ये बात बिल्कुल सही है, तो बढ़ते बच्चों को देख के सरकार का निर्णय सही है, छोटे बच्चे से ज़्यादा। जो फैसला लिया गया है 4 अक्टूबर से स्कूल शुरू करने का, तो वो फैसला सही है या गलत है, आपको क्या लगता है? मेरे मायने से तो अभी तो और वेट करना था सरकार को, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह हटा नहीं है, है ना, उसके देखते हुए या फिर कुछ ऐसे नियम निकाले कि यार अल्टरनेट स्कूल लगाए, एक दिन गैप हो, एक फर्स्ट क्लास वाले का एक दिन दूसरे क्लास वाले का, ऐसा अल्टरनेट चले तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी थोड़ा वेट करना था अभी बीमारी को देखते हुए। ओके, माई ओपिनियन इज दैट आई एम गिवन द चांसेस इन 50-50। द 50-50 मीन्स स्कूल ओपनिंग इज इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम एंड प्रिकॉशंस, द गवर्नमेंट टेकिंग द प्रिकॉशंस, मेजरिंग इज नॉट अ गुड, इज नॉट ओपन, अदरवाइज यू कैन टेक अ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग द कोविड प्रिकॉशन फेसिलिटी इज ए गुड डे ओपनिंग, नो प्रॉब्लम, बट द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है ओपन एंड ओपन। आई एम गिवन द 50-50 है, 50% चांसेस है स्कूल ओपनिंग जरूरी है, जरूरी है, ओके डेफिनेटली ओपन बच्चे के फ्यूचर, बट एट सेम टाइम कोरोना प्रिकॉशंस गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इज माई ओपिनियन। छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, छोटे बच्चों के लिए, लेकिन जो बड़े हैं 8वीं 10वीं कॉलेज के, उनके लिए बिल्कुल ठीक है, वो अपना खुद का कर सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो है ज़रा खुद को ये नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं कर सकते अपने आप जब तक माँ बाप नहीं करेंगे, इसलिए इस प्रशासन का निर्णय वैसे ठीक है पर आधा अधूरा ठीक है। देखो, स्कूल खोलने तक जहाँ तक सवाल है, क्योंकि इसमें दो राय हो सकती है, जहाँ तक इट्स मतलब पॉइंट ऑफ फ्यूचर ऑल्सो कि स्टडी रिलेटेड है तो वो कहीं ना कहीं एकेडमिक इफेक्ट हो रही है, एंड देन हेल्थ रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होगा कि कोरोना अभी पूरे तरीके से ज़ीरो नहीं है, बट एट द एंड हम लोगों को सोचना ही होता है कि किस पॉइंट पे हम लोग कंक्लूड कर पाए कि एट द एंड यू आर बी गोइंग फॉर एन एकेडमिक्स ऑल्सो और फॉर हेल्थ ऑल्सो, बोथ आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो एंड चाइल्ड ऑल्सो, सो इट्स अ मैटर ऑफ नॉट टेकिंग द डिसीजन अबाउट गवर्नमेंट ऑल्सो, इट्स अ मैटर ऑफ टेकिंग द डिसीजन बाय द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी। थैंक यू। एक्चुअली बच्चों के जो स्कूल चालू हो रहे हैं वो मेरे ख्याल से तो होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो स्टडी
उसके बारे में जो है वो पीछे आ रहे हैं बच्चे, जो यानी पढ़ाई जो स्कूल में होती है वो घर में नहीं हो पा रही है। उस कारण से ऐसा है कि मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, जो प्रोग्रेस है बच्चों का वो कम होते जा रहा है, इम्प्रूवमेंट कम होते जा रहा है उनमें, तो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए स्कूल चालू, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, अभी कोविड भी थोड़ा बहुत कम हो गया है, तो इस कारण से तो अभी फ़िलहाल बच्चे के बारे में अगर सोचे तो मेरे ख्याल से तो मैं एग्री हूँ इसके लिए कि बच्चे का स्कूल चालू होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और बच्चे स्कूल जाए या अपने सावधानी से रहे तो बहुत अच्छी बात है ये तो, और हमेशा ही बच्चे खुश रहे अच्छे रहे। आपकी गवर्नमेंट से कुछ मांग है कि बच्चों का सुरक्षा, जो सुरक्षा को लेकर आप क्या चाहते हो कि ये नए नियम लागू होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जितना घर में सुरक्षित है उतना बाहर सुरक्षित कहीं ना कहीं नहीं है। नहीं, बच्चे तो कैसा है कि मैडम स्कूल में जैसे ही भी सेफ्टी रखी गई है अभी बच्चों के लिए, जैसा सैनिटाइज़र है, बच्चे डिस्टेंस पे अभी बच्चों को बैठाला जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और बच्चों के लिए स्कूल खुल रहा है ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो ये 4 अक्टूबर को जो स्कूल खोलने का फैसला गवर्नमेंट का लिया गया है, इसके लिए मिक्स रिएक्शंस है। ये कन्फर्म नहीं है कि खोलने के बाद हमारी कोविड की व्यवस्था ख़राब होंगी या अच्छी होंगी, लेकिन आज की जानकारी जो चल रही है उसके हिसाब से कोविड जो पूरी दुनिया के अंदर में आज भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है और आंकड़े बढ़ ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि हमको इस बारे में सोचना चाहिए। तो हम सीधा बच्चों से ही जानते हैं, स्टूडेंट से, क्योंकि वो उन्हीं को स्कूल कॉलेज जाना है, तो आपको क्या लगता है, आप लोगों का कॉलेज अभी 4 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, स्कूल कॉलेज जो भी हो, तो आपको, आप कैसे महसूस कर रहे हो इसमें? अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी घर में पढ़ पढ़ के हमें उतना समझता नहीं था, अभी जैसा हमें पढ़ाएंगे तो हमें हमारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे सब कुछ, तो अच्छा लगेगा हमें कॉलेज शुरू होगा तो। जो कोविड से रिलेटेड जो नियम है आप उसको फॉलो कर पाओगे स्कूल में? हाँ, कोविड के नियम तो हम फॉलो कर पाएंगे, और कैसा जो हो रही वो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए कैसा अभी ऑनलाइन के चक्कर में समझ रहे थे, और अभी ऑफलाइन होगा जो, तो उसमें हमको और ज़्यादा नॉलेज मिल पाएंगी, और हमको बहुत ऐसी खुशी है कि हमको कॉलेज के दर्शन हो गए, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो हमको कॉलेज लाइफ तो अभी तक इन्जॉय नहीं किए, तो इन्जॉय करने मिलेंगी, ये तो बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है, आप कॉलेज में आप जाने वाले हो अभी 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद ये फैसला लिया गया है, तो आप खुश हो क्या, या आपको कहीं ना कहीं डर सा लगा हुआ है क्योंकि कोविड अभी भी है, गया नहीं है? नहीं, बहुत खुशी हो रही है, कॉलेज चालू हो रही थी, क्योंकि घर में बैठे हुए पूरे बोर हो चुके हैं, क्योंकि कहीं बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, और जो अपने जो गोल्स है, एम्स है, वो पूरा करने के लिए अपने को अच्छी दिशा मिल रही है। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सो फॉर द लास्ट 2.5 ईयर्स स्टूडेंट्स आर जस्ट what we say, they are just getting out of their syllabus, and it is causing a lot of problems. How can our country be retrieved when there is no education? So it is not the fault of the government. Whatever problem going on in the country, the sole reason is public. They do the traditional things, traditional talks, and that is wrong. इसके खिलाफ आवाज़ उठना चाहिए, पब्लिक ही सबका, पब्लिक गवर्नमेंट के ऊपर हर चीज़ की जिम्मेदारी करते हैं, जैसे दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए प्रॉब्लम, वी इफ वी गो टू द न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, वी आर एबल टू सी 50 और 100 जॉब्स डेली इन नागपुर ओनली, and there are 64,233 villages in India, I think, and as many as 600 something cities. So how many opportunities are there for the people? 130 crore is not much population in the universe. When we take the universe, more than even China you take. In China, why they are so productive? Japan tsunami ayada bomb, after that they rose very nicely. So yahan par bharat ka ek problem kya hai, yahan par ek divine intervention nahi ho raha hai, it should be there. To kaise hoga, hum jab hamare galtiyon se thoda le, wash yourself, that is required.
देखो जैसे कि हमने जाना जनता से उनकी राय, तो कहीं ना कहीं जनता काफ़ी खुश भी दिखी क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो शुरू होने की कगार पर आ गया है। लेकिन सवाल उठता है बच्चों की सुरक्षा को लेकर, तो जनता के दिल में, उनके पेरेंट्स के दिल में कहीं ना कहीं ये डर सा भी है क्योंकि बच्चे जितने घर में सुरक्षित है वो बाहर सुरक्षित उतना महसूस नहीं करते। लेकिन फिर भी जनता खुश है इस फैसले से जो प्रशासन ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए लिया है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ जोया खान, नागपुर।